हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर विदाउट ओनियन गार्लिक, जिसे आप व्रत में खाना चाहें बनाकर तो इजीली आप पका सकते हैं, खा सकते हैं। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते वो भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी बनता है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 3 टमाटर, और मैंने टमाटर जो है बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है क्योंकि इसे हमें पीसना है। उसके साथ ही अदरक लिया है थोड़ा सा, साथ में साबुत लाल मिर्चें 3 से 4, और एक मुट्ठी काजू, जिसमें 10 से 12 काजू आ जाते हैं। कोई भी आप साबुत लेना चाहें या टुकड़ा आप काजू ले सकते हैं। तो इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे, बट हम उसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। एक पैन लिया है, उसमें डाला है तेल, कोई भी ऑयल यूज़ करिए, एनी वेजिटेबल ऑयल। तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल देते हैं पनीर। पनीर को मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए भून रही हूँ, हल्का सा शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना शैलो फ्राई करे डायरेक्ट बाद में पनीर को डाल सकते हैं ग्रेवी बनने के बाद। और पनीर की रेसिपी आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो पनीर को निकाल लेते हैं, पनीर हमारा भुन गया है, तो चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। सेम ऑयल लिया है, उसमें 2 मैंने बे लीफ डाला है यानी तेजपात, और साथ में 3 जो छोटी इलायची, हरी इलायची, उसको पीस करके उसको पाउडर बनाकर डाला है। इसके साथ ही डाल देते हैं लौंग और सिनेमन, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, और साथ में 2 से 3 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखिए। ये जो मैं पनीर की रेसिपी बना रही हूँ, कम से कम 3 से 4 लोगों के लिए। इसके साथ ही 2 चम्मच देगी मिर्च, इसका कलर सुंदर दिखाने के लिए। जब फूड का कलर सुंदर लगता है तो खाने में भूख और बढ़ जाती है। तो उसके साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटो पेस्ट। जो हमने अदरक लाल मिर्च का पेस्ट बनाया है वो इसमें मिक्स कर रहे हैं। इसे हम मीडियम आंच पर पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी हमारी थोड़ा ऑयल ना छोड़ दे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, जिसमें मैंने प्यूरी पीसी थी जिस जार में, उसी में डालकर थोड़ा सा पानी डाला है। अच्छी तरह से पकाएंगे, कम से कम 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट तक इसे कुक कीजिए और नमक डाल दीजिए। नमक से क्या होगा, टमाटर हमारा जो ग्रेवी बहुत अच्छी पकेगी, टमाटर जल्दी गल जाता है, तो उसके लिए हम नमक डालते हैं। इसको कवर करके 10 मिनट के लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तेल अलग होने लगा है। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ भी नहीं किया, जितना तेल में हमने फ्राई किया था सेम ऑयल का मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो ग्रेवी हमारी लगभग बनकर तैयार है। इसमें डाल देते हैं 4 टेबलस्पून थिक कर्ड, यानी कि गाढ़ा सा दही हम इसमें डाल रहे हैं। तो इसको डालने के बाद भी हमें 2 से 3 मिनट और इसे पकाना है, फ्लेम हमको लो रखना है। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही यम्मी बनती है। इस समय खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो आप जो फास्ट रखते हैं वीक में, मोस्टली लोग एक ना एक दिन तो ज़रूर फास्ट रखते हैं, तो आप उस दिन बनाकर इसको खा सकते हैं। थोड़ा ऊपर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर, और साथ में 1 चम्मच गरम मसाला। तो बस अब इसको 1-2 मिनट और पका करके जो हमने पनीर भुना था वो भी हमारा रेडी है। अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, तो उससे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, उसकी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे वीडियोस को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक शेयर कर सकूं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया 1/4 कप दूध। आप दूध डाल सकते हैं, आपके पास मलाई हो आप मलाई डाल सकते हैं, या आपके पास क्रीम हो आप क्रीम डाल सकते हैं, बट मैं दूध डाल रही हूँ। तो मेरे पास आज दूध ही अवेलेबल है, मलाई और क्रीम नहीं था, तो मैंने दूध यूज़ किया। अभी मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो लगभग हमारी अभी ग्रेवी जो है, ग्रेवी भी एकदम परफेक्टली तैयार हो चुकी है। तो मीडियम फ्लेम हमने रखा है ऑल टाइम, तो इसको ढक करके अभी और 5 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आने लगा है, और देखकर ही भूख लगने लगेगी आप लोगों को। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पनीर भूनकर थोड़ा सा
शेलो फ्राई किया था वो पनीर। आप चाहें तो डायरेक्ट ही भी पनीर को डाल सकते हैं बिना भुने। तो हमारी तो पनीर की सब्जी यानी कि शाही पनीर बन करके तैयार है। आप लोग कब बना रहे हैं इस तरह से? तो चलिए इसको अभी मैं सर्विंग प्लेट में बाउल में डालने वाली हूँ। और आप इसको, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और मिला करके, पानी में डालिएगा थोड़ा सा दूध या क्रीम डाल करके, थिकनेस बहुत ज़्यादा लगे तो आप उसको थोड़ा सा डाल के और ग्रेवी को सॉफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ भी जाएगी उससे आपकी ग्रेवी। तो हमारा शाही पनीर तो बन करके तैयार है फ्रेंड्स। आप लोग भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मुझ तक ज़रूर शेयर कीजिए। लीजिए, तैयार है हमारी शाही पनीर विदाउट ओनियन गार्लिक। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोग वीडियोस देखते हैं बट लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब का बटन दबाना भी भूल जाते हैं। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।